नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइनरी प्रोजेक्ट्स और मैं विजय विश्वा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय BLS इंडिया। और इलेक्ट्रिक का काम करते समय सावधानी बरतें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइनरी प्रोजेक्ट्स और मैं हूं विजय विश्वा। तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रहा था। वीडियो क्यों नहीं आ रहा था उसका कारण आप जानते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ था, उसके जानकारी दी थी मैंने। अभी ये वीडियो जो आने जो चल रहा है, जो वीडियो आप इसमें क्या सीखेंगे क्या देखेंगे बता दूं आपको मैं। हम लोग इसमें LED और जो रेजिस्टेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, कितनी LED कितना रेजिस्टेंस और कितनी वैल्यू का, तो ये हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो हम लोग 10 LED की सीरीज को बनाना सीखेंगे, कितने रेजिस्टेंस लगेंगे, कितनी वैल्यू, कितना वाट लगेगा, इस हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू वो भी हम लोग इसमें बताएंगे, और कितना वोल्टेज होता है LED का, कितना रेजिस्टेंस लेना चाहिए, कितना इसका करंट होता है वो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने एक और चैनल ओपन किया है, चैनल तो खैर काफ़ी पहले बनाया था लेकिन मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा था जानबूझ के, तो लेकिन मुझे लग रहा है अब इसका वक्त आ गया है कि हम लोग उसका उसके बारे में आपको बताएं। BLS इंडिया के नाम से एक और चैनल है, ये आप जो देख रहे हैं ये बाइनरी प्रोजेक्ट्स है, दूसरा वाला BLS इंडिया रहेगा। तो BLS इंडिया पे भी हम लोग जो काफ़ी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हम लोग पूरा एक ही चैनल पे नहीं डाल पाते, तो हम लोग कुछ जो बारीकियाँ उसकी, जैसे आपको इसमें मैं सिर्फ 10 LED की सीरीज़ बनाना सिखाऊंगा, अगला जो सीरीज रहेगा इसका जैसे कि आपका 20 LED का, 30 LED का, 40 LED का, तो ये इसमें कितना रेजिस्टेंस और कैसे इसको निकालना है, इसकी वैल्यू कितने वाटेज रखना चाहिए, तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको BLS इंडिया में जा कर के मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। और जो अभी हम लोग ये वीडियो देखने वाले थे, ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो, तो भैया जिनको जानकारी हो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी अगर वीडियो को देखें तो प्रिय तरीके से देखें उसको, मतलब अच्छे से देखें, क्योंकि पूरी बारीकी समझाने वाला है एक एक चीज़। और जिनको नहीं पता है भाई आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हों, लेकिन जो समझाया जा रहा है उसको आप समझेंगे तो सब समझ जाएंगे, सब आ जाएगा। और ये सीरीज़ वगैरह बनाना तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं यार, इनको तो आप आसानी से बना ही सकते हो, इनको ऐसा कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको मतलब ये करना ही है तब जाकर आपको ये आएगा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कोई किताब नहीं पढ़ना, जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे भी आप कर लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, वैसे ही होगा, ठीक है। हर चीज़ जो इसमें बताई जा रही है ना उस पर कृपया फोकस कीजिए, और वीडियो हम लोग चालू करते हैं। और अभी एक चैनल और देखते होंगे आप, इंजीनियर्स टूर करके, वो भी अपना ही चैनल है, तो इंजीनियर्स टूर पे हमारे छोटे भाई हैं वो वीडियो डालते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि BLS इंडिया भी उसमें बोलते हैं वो, तो कई लोग बोलते हैं भाई कॉपी कर रहे हैं, भाई कॉपी वाली बात नहीं है, चैनल एक ही है तो कॉपी की बात ही नहीं, कॉपी का स्ट्राइक कैसे होगा, क्या हम ही तो हैं। तो अभी 3 चैनल हैं, एक चैनल पे जो आप ये मेन चैनल आप जो देख रहे हैं, बाकी उसके बाद इंजीनियर्स टूर और BLS इंडिया। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो रेजिस्टेंस निकालना और कितनी LED के लिए, तो 10 LED के लिए हम लोग देखने वाले हैं। ये सिंगल कलर की 8mm या 5mm की LED कोई सी भी आप ले लीजिए, थोड़ा सा वोल्टेज में डिफरेंस आएगा लेकिन हम लोग एक एवरेज वोल्टेज लेके चलते हैं। 10 LED ध्यान रखिए, 10 LED की सीरीज़ बनाने के लिए बहुत क्वेश्चन आए थे, 10 LED की LED की सीरीज़ बनाना है कितना रेजिस्टेंस लगना चाहिए, कितने वाट लगे, उसके लिए बता रहा हूँ। एक LED का जो वोल्टेज आएगा वो 2.8 वोल्ट के चलना है, और करंट लेके चलना है 18 mA, ठीक है। और अगर रेड कलर की LED है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना आप, रेड कलर की LED है तो LED का वोल्टेज आपको 2.8 ही लेके चलना है, लेकिन उसका करंट जो हो जाएगा, करंट उसका 15 mA हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये अपना सिर्फ रेड LED के लिए है। और कैसे वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ पर KVL रूल लगेगा, किरचॉफ वोल्टेज लो इसको बोलते हैं KVL। तो कैसे हम लोग यहाँ फंडा निकाल रहे हैं, देखिए हम लोगों ने जो LED का साइन बनाया है वो एक LED नहीं है, आपको 10 LED दिमाग में रखना है और 10 LED का वोल्टेज निकालना है। जैसे कि एक LED का वोल्टेज आ रहा था 2.8, यानी 10 का हो जाएगा 28 वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को पता नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है, करंट की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, KVL रूल लगा करके, जैसे ही रूल लग जाएगा आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू कंजप्शन वोल्टेज, हम लोग उस हिसाब से इसका निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगी, 230 वोल्ट जो है ये हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो है, 28 वोल्ट LED का हो गया, और करंट LED का हमें मालूम है 18 mA है, तो उस हिसाब से अब देखेंगे जो मिली है, मिली ऊपर जा करके 1000 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, तो
हमें रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू निकल जाए फिर इसका हमको वाट इसका निकालने की वाट कितने वाट का रेजिस्टेंस होना चाहिए और कितनी वैल्यू का यूज़ करें, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो आप लगाओगे नहीं, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो कौन सी वैल्यू का लगाएं और कम से कम लगा पाएं, तो वो हमें कैलकुलेशन से पता चलता है। यहाँ 11.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आइडियली। उसके बाद में वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, जो कि हमें आई मालूम है 18 मिली एम्पियर, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे और आर की वैल्यू निकल के अभी आई है 11.2 किलो ओम। तो बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ऐसा इसका कैलकुलेशन है 18 का। हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर निकाल लेते हैं और पूरा स्क्वायर ही लिख देते हैं। इसका स्क्वायर आ रहा 324 और जो मिली स्क्वायर है मिली स्क्वायर का 2 काट देते हैं के से, और यहाँ पर हो जाएगा 11.2 मिली, है ना। अब ये वोल्टेज आ जाएगा, इसमें वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वाट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अपना 3.6 वाट, 10 एलईडी के लिए 3.6 वाट का अपने को रजिस्टर लगाना है और वैल्यू होना चाहिए 11.2। तो ये 11.2 एक लगाएं, इससे अच्छा तो हमारे पास क्या अवेलेबल वो देख लेते हैं। हमारे पास देखिए वोल्टेज भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया, सिंपल फार्मूले से आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे तरीके से निकालेंगे सब निकल आएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलईडी 10 और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको लगाना पड़ जाएंगे 12, तो 12 तो एलईडी नहीं है, इसका मतलब 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस तो फेल हो गया, यहाँ पे वो नहीं लगाएंगे अपन। हम देखते हैं 2.2 के रेजिस्टेंस कितना लगता है, 2.2 किलो हाफ वाट, तो यहाँ पर ये लगभग 5 पीस आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज यहाँ पर तो 2.5 वाट आ रहा है, 2.5 वाट, इसीलिए 2.5 वाट की वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि वोल्टेज तो हमें 3.6 चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे 2.2 किलो ओम का और 1 किलो ओम का कॉम्बिनेशन। तो इस हिसाब से यहाँ पर 2.2 किलो ओम का हाफ वाट का 5 रेजिस्टेंस ना लगा के 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, बाकी के बचे हुए 1 किलो ओम के लगाएंगे। तो इससे हमें वोल्टेज पूरा मिल जाएगा और रेजिस्टेंस भी पूरा मिल जाएगा और सर्किट ख़राब नहीं होगी, सीरीज ख़राब नहीं होगी। 2.2 किलो हाफ वाट के 4 रेजिस्टेंस ले लीजिए और 1 किलो हाफ वाट के 4 रेजिस्टेंस इसके भी ले लीजिए। अब दोनों को वोल्टेज देखेंगे ना आप, तो वोल्टेज भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा 3.6 वोल्ट से, तो जिससे अपना काम हो जाएगा। अपने को वोल्टेज भी वोल्टेज भी बराबर मिल जाएगा और रेजिस्टेंस वैल्यू भी। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 8 रेजिस्टेंस में आपका जो 10 एलईडी का सीरीज है बढ़िया तरीके से काम करेगा, कुछ भी ख़राबी नहीं आने वाली। देखिए 4 वाट हम लोगों को मिल गया, तो हमें 3.6 यानी कि देखिए जो वोल्टेज निकल के आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए जो हम लोग लगा रहे हैं उससे। अगर हम लोग कम लगा देंगे तो ख़राब हो जाएगा वो। तो हमें यहाँ पर 2.2 और 1 किलो ओम दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा 4-4 पीस का, तो ये बहुत बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भैया सभी सीरीज़ अब लगभग लगभग इसी तरीके से बनती है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता, यही फार्मूला सेम लगेगा। लेकिन आपको ज़्यादा वैसे जानकारी चाहिए हो जिसमें आपकी 20 एलईडी, 30 एलईडी, 40 एलईडी की सीरीज समझना हो, तो मैंने जो दूसरा चैनल बनाया उसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, पसंद आती कि नहीं आती हैं, लाइक और अनलाइक से हमें समझ में आ जाता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए अच्छा लगे वीडियो तो। धन्यवाद।